वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आए हैं वीकेंड मनाने के लिए और हाईटी के लिए हम आए हैं पाकिस्तानी कैफेटेरिया और ये है रफीक स्वीट सियालकोट मोहेला शारजा में। तो वैसे तो हम जो है वो कसरे सियालकोट आते हैं लेकिन आज हम रफीक स्वीट को जो है वो रफीक सियालकोट जो है वो उसको टेस्ट करेंगे और यहाँ की जो हाईटी है ये बहुत ऑथेंटिक होती है तो आज हम इसको टेस्ट करते हैं। स्पेशली इनके पास जो है वो पाकिस्तान के स्वीट्स मिल जाएंगी आपको और इसके साथ साथ आपको नमक पारे, मीठे पकौड़े और समोसे, पकौड़े, चना चाट ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज हम इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको कि इनका टेस्ट कैसा है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनके पास हमें क्या क्या खाने को मिलता है। और आज जी हमारा हाईटी का मूड था और हम समोसे वगैरह खाने आए हैं शाम में। आप खुद के साथ शेयर कर सकते हैं जो है रफीक सियालकोट शारजा में। और आज हम यहाँ के ट्राई करेंगे समोसे वगैरह और आपके साथ शेयर करेंगे। ये जी इनके पास दही बल्ले और पैसे हर पाकिस्तानी स्वीट। और जी ये है इनका मेन्यू, आप देख सकते हैं हलवा पूरी वगैरह भी मिलती है। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं हमारे दही बल्ले वगैरह चना चाट वगैरह तैयार हो रही है। और जी ये हैं बलियाँ जो कि ख़त्म हो गई थी और उन्होंने और ऐड करे हैं। और यहाँ पे जी ये भाई हमारे लिए बनाएंगे चना चाट। इस तरफ जी उन्होंने देखे किस तरह से भर के दही डाला हुआ, दही में उन्होंने बल्ले रखे हुए हैं और दही कितनी थिक लग रही है। और ये गोल गप्पों भी दही डाल रहे हैं और ऊपर से डाल रहे हैं जी ग्रीन चटनी और उसके बाद जी ढेर सारा ये मसाला डालते हैं ऊपर से। आप पे है, आप जितने तीखे खाते हैं आप उसे और भी स्पाइसी करवा सकते हैं, ये स्पाइसी नहीं करवाने तो मसाला ना डलवाएं। और उसके बाद देखें अगली दही बल्ले की प्लेट तैयार हो रही है। पहले जिन्होंने बल्ला डाला है उसके ऊपर दही और उसके बाद आलू जा रहे हैं और फिर चने और साथ हैं जी बलियाँ और फिर जी ऐड कर रहे हैं टमाटर, चॉप टमाटर हैं और स्लाइस्ड ऑनियन, ग्रीन चटनी जो कि फेवरेट है दही बल्लों की वो जा रही है और उसके साथ जी हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट चाट मसाला और इसके बगैर तो दही बल्ले इनकम्प्लीट है। और फिर थोड़ा सा साथ नमक डाला है और ऊपर से फिर से दही ऐड कर दिया है। और दही की क्वांटिटी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी दही की क्वांटिटी इन्होंने यूज़ की है। और ये प्लेट हमारी तैयार हो गई है लेकिन ये ऊपर से मीठी चटनी वगैरह नहीं डालते तो आपको साथ देते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो आप फिर मीठी चटनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं जी आप एक और प्लेट तैयार कर रहे हैं। हमने जो ऑर्डर किया है वो है जी पापड़ी चाट और दही बल्ले ऑर्डर किए हैं और साथ में जी समोसा ऑर्डर किया है और हमारा ऑर्डर भी तैयार हो रहा है। इतनी देर में हम ये देख रहे हैं और आपको भी साथ साथ शेयर कर रहे हैं कि ये कितना मज़े का लगता है बनते हुए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। सो लाइक करेंगा, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब लाजमी करें। सो फ्रेंड्स हमारा ऑर्डर आ गया है और ये है जी हमारे दही बल्ले और इधर है समोसा, साथ पुदीने वाली चटनी है, साथ चने हैं और ये है जी हमारी पापड़ी चाट। और ये देख सकते हैं आप दही कितना ज़्यादा और अच्छी क्वांटिटी में दही डाला हुआ है और कितना थिक है। सबसे पहला काम जी जो दही बल्ले की प्लेट के ऊपर करेंगे वो है जी मीठी चटनी ऐड करेंगे क्योंकि मीठी चटनी के बगैर दही बल्ले मुझे तो बिल्कुल अधूरे लगते हैं। सो अब इसको टेस्ट करके बताते हैं जी हमें इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। ये जी चाट मसाला और मीठी चटनी दही बल्लों में अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है और थोड़ा सा आलू का पीस भी तोड़ लिया है। और अब इसको टेस्ट करके बताते हैं जी इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड का एक अपना अलहदा ही मज़ा है, स्पेशली जब मौसम बदलता है या सर्दी आती है तो ये स्ट्रीट फूड और भी मज़ेदार लगने लग पड़ती है। और ये दही बल्ले भी बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है इनका। और अब बारी है जी हमारी चना चाट की और इसके ऊपर भी वही काम करेंगे, सबसे पहले जी मीठी चटनी डालेंगे। चना चाट भी है ये लेकिन मैंने पापड़ी चाट मंगवाई थी, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो खाली चना चाट थी उसमें दही वगैरह नहीं डलता और पापड़ी नहीं डलती, सिर्फ चने होते हैं और सैलड प्याज टमाटर वगैरह होता है, लेकिन जो पापड़ी चाट है उसमें दही वगैरह और पापड़ी डलती है।
अब मैंने खाया तो है लेकिन मुझे इसमें पापड़ी का टेस्ट नहीं आया। और यहाँ पे अब देख सकते हैं मैं पापड़ी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ये है जी फ्रेंड पापड़ी, और ये देखें जी चना चाट पे मैंने पापड़ी डाल दी है। भाई से पूछा मैंने, कहा इसमें तो पापड़ी है ही नहीं, तो उन्होंने बताया जी हम पापड़ी अलहदा से देते हैं और बीच में नहीं डालते क्योंकि क्रिस्पी होती है और ये ऊपर से अच्छी लगती है, और वो मुझे देना भूल गए। तो अब जी इसको टेस्ट कर रही हूँ और ये कितनी मज़ेदार क्रंची क्रंची आवाज़ आ रही होगी आपको, बहुत मज़े की पापड़ी चाट पे। और साथ ही जी समोसा टेस्ट कर लेते हैं, और आलू का समोसा है जैसे ट्रेडिशनल पाकिस्तानी समोसा होता है। इसके साथ मैंने स्पेशली ये चने मंगवाए हैं क्योंकि लाहौर में जो समोसे मिलते हैं उसके साथ ये चने वगैरह मिलते हैं और ये बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं, तो मैंने उन्हें बोल के ये चने मंगवाए हैं। समोसा जी मैं टेस्ट कर रही हूँ, समोसा मज़े का है लेकिन जो चनों का टेस्ट है वो थोड़ा सा समोसे के साथ बैठ नहीं रहा। सो फ्रेंड्स लास्ट और नॉट लीस्ट ये है जी गोलगप्पों की प्लेट मंगवाई है, और इसके ऊपर से मीठी चटनी का जी तड़का लग रहा है, और उसके बाद हम इसे खाते हैं। साथ है जी ये खट्टा, और देखिए कितने यम्मी लग रहा है। ये जी है पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड, देख चखते हैं जी इसका टेस्ट कैसा है और आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मीठी चटनी जी, मैं एक्स्ट्रा मीठी चटनी ओके बस अब आप मीठी चटनी एक्स्ट्रा जो है मुझे बहुत पसंद है। बहुत मज़े क्या क्रंच के बाद आपको आ रही होगी, बहुत टेस्टी गोलगप्पे हैं, मुझे तो कराची के गोलगप्पों की याद आ गई है। फ्रेंड्स ये आ गई है हमारी रसमलाई, और आप देख सकते हैं कि रसमलाई के अंदर जो उसका जो है वो रसगुल्ला है बहुत ही बड़ा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। पहले हम चेक करते हैं मीठा, रसमलाई का जो टेस्ट होता है वो आपको ठंडी रसमलाई में ही मिलेगा, तो ये अच्छी खासी ठंडी है और बहुत टेस्टी है। और ये है फ्रेंड्स गुलाब जामुन, और ये स्पेशली गरम गरम गुलाब जामुन है, और अभी ज़रा थोड़ा सा इनको ठंडा होने दिया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लेट मी चेक ऑन, एक चेक करते हैं, बहुत सॉफ्ट है और जो शीरा के अंदर जो है ना वो अच्छे से डिप हुआ है, तो बहुत आला जो है वो टेस्ट आ रहा है, बहुत आला। तो फ्रेंड्स जल्दी से करते हैं इनको ख़त्म। सो फ्रेंड्स रफीक सियालकोट से हम वापस आ गए थे हाईटी करके, और अच्छा खासा हमने खाया था और हमारा पेट भर गया था उस टाइम। सो अब लेट नाइट हो गया है लेकिन भूख लग रही है, और इसलिए हम बाहर निकले हैं कुछ खाने के लिए, और देखते हैं जी लेट नाइट क्रेविंग में हमें इस टाइम क्या मिलता है। और इस टाइम आप देख सकते हैं जी रोड्स वगैरह कितनी खामोश हुई हुई हैं, और कोई कोई गाड़ी आ रही है और सब पार्क हुई हुई हैं, और इस टाइम सुकून बहुत ज़्यादा है, और इसमें वॉक का भी एक अपना ही मज़ा है। हमने यहाँ देख के डिसाइड किया है जी चिकन खाएंगे हम लोग, तो अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स हमने एक बजट डील ऑर्डर की है जिसमें 3 पीस ऑफ चिकन होगा और बन और कुछ फ्राइज होंगे और साथ ड्रिंक मिलेगी, मेरे ख्याल से आधी रात की क्रेविंग के लिए इनफ रहेगा। सो फ्रेंड्स हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है और तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। सो हमने कैरीफोर से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो इतने में हम कैरीफोर से शॉपिंग करते हैं। फ्रेंड कैरीफोर से सामान लेके हम वापस आ गए हैं चेकिंग पे, और अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं और घर जाके हम ये खाएंगे।
फ्रेंड्स, हमें हमारा ऑर्डर मिल चुका है और आप देख सकते हैं तकरीबन शॉप्स जो हैं वो बंद हो गई हैं, और फुटपाथ पे भी देख सकते हैं कि कितना सुकून वाला माहौल है और कुछ कुछ लोग ही नज़र आ रहे हैं। और ये है जी हमारा लेट नाइट क्रेविंग का इनाम, और चिकन का बॉक्स हमने खोल लिया है और आप देख सकते हैं सामने जी सबसे पहले फ्राइज नज़र आई हैं जो बीच में गिरी हुई हैं, और जी है एक बन, और इसके साथ नीचे आपको ब्रॉस नज़र आ रहा है, ब्रॉस की बोटियाँ वगैरह हैं, और ये गरम है अच्छा खासा, और यानी फ्रेश फ्राई करके हमें मिला है। और हम जी इसे प्लेट में निकालते हैं और करते हैं इंजॉय। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।